हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नए ब्लॉग में। और मेरा नाम रवि कुमार जय और देसी जय के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं अभी यहाँ यूरिया लिए हुए हूँ और गेहूं के खेत में पटौनी के बाद, सिंचाई के बाद मैं यूरिया छींट रहा हूँ। तो देखिए कैसे छींटता हूँ मैं यूरिया। इस पूरे वीडियो मम्मी मुझे गाइड करते हुए देखेगी क्योंकि मुझे यूरिया छींटने नहीं आता है, मैं नया हूँ, छींट रहा हूँ। तो मम्मी मुझे पूरी वीडियो में गाइड करते हुए देखेंगी। एक कट्ठे पर 2 किलो यूरिया मैं छींट रहा हूँ। ये जो यूरिया है ये 2 किलो, एक कट्ठे पर 2 किलो यूरिया जो है मैं छींट रहा हूँ, कट्ठा पर 2 किलो। ऊपर दो ना कोनाटा पर, कहाँ डालना पड़ा, कोना पर डालो, धारी पर डालो। हाँ हाँ हाँ, मारा। हाँ सब पर मारा तब ना जाकर अथी निकली तोड़ा। दूसरों खेत में मत मारो, मेड़ी पर मारता रहो। खाली हो चुका है, पूरी तरह से खाद छींट चुका हूँ। अभी इधर का हिस्सा बाकी है, अभी इधर में छींटना बाकी है। चलिए देख छींटते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ देखिए बोरे से यूरिया निकाल रहे हैं, इतना सारा यूरिया है और कोई कोई यूरिया पत्थर हो गया है तो इसको तोड़ रहा हूँ। और ये पत्थर हो चुका है, इसको भी तोड़ रहा हूँ, टूट गया। अब बाकी जो बचा हुआ है इधर, अब मम्मी छिटेगी, हम छिट रहे थे, अब मम्मी छिटेगी। एक किनारे से छीटा जाता है हमेशा, एक लाइन से, ताकि पता रहे किस तरफ मैंने छीटा है किस तरफ नहीं। नहीं तो अगर गलत तरीके से छिटेंगे, कोई एक साइड पकड़ के नहीं छिटेंगे तो पता ही नहीं चलेगा किस तरफ मैंने डाल दिया है खाद और किस तरफ बाकी है। तो ये सेकेंड राउंड डाला जा रहा है, फर्स्ट राउंड मैंने डाल दिया है और सेकेंड राउंड मम्मी डाल रही है ताकि हर जगह मेकअप हो जाए, क्योंकि मैं नया हूं और मैंने कोशिश की अपने से ट्राई की है। तो फिर अगर कहीं बचा कसा कसर जो भी रह गया होगा उसको मम्मी पूरा कर रही है, मम्मी अच्छे से छीट रही है उसको। ऐसे पापा भी इसको करते हैं पर पापा अभी हैं नहीं, घर पे काम पे गए हुए हैं, तो मम्मी इस वक्त छीट रही है पूरे खेत में। एक किनारा पकड़ के छींटेगी और फिर दूसरी तरफ से घुमा के आएगी तो उधर से एक अलग साइड ही पकड़ेगी। पूरी तरह से गेहूँ खाद के लायक हो चुका है, इसमें सरसों भी हो चुका है। सरसों का यहाँ साग बनता है हमारे यहाँ, सरसों और बथुआ का। सरसों भी इसमें निकला हुआ है, आपको बथुआ भी निकला हुआ है, दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये जो पौधा दिख रहा है ये बथुआ है और ये सरसों का पौधा है। ये सरसों का पौधा है और ये बथुआ का है। और पूरा बथुआ खाद में से फ्री खेत में फ्री में होता है, उसके लिए कोई बीज छींटने की ज़रूरत नहीं होती, वो आसानी से इस मौसम में हो जाता है। और सरसों छींटना पड़ता है तो सरसों और सथुआ बथुआ का साग यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है। तो देखिए मम्मी इस किनारे से छींटते हुए अब उस किनारे पर गई है और उस किनारे को पकड़ के छींट रही है। खेत का वो दूसरा किनारा है और इधर पहला किनारा था जिधर से छींट के मम्मी गई थी, तो अब उस साइड से छींट रही हैं। छींटना आसान बात नहीं है, वो एक बराबर खाद ज़मीन पे पड़ना चाहिए, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए मम्मी से दूसरी राउंड में मरवा रहा हूँ ताकि मुझसे अगर कहीं गलती से छूट गया हो, अच्छे से नहीं पड़ा हो, तो मम्मी डालेगी तो पूरी तरह से अच्छे से मेकअप हो जाएगा, अच्छे से डला जाएगा खाद। यूरिया वैसे कट्ठे में, एक कट्ठे में 2.5 केजी डाला जाता है, कोई 2 केजी डालता है, कोई 3 केजी तक डालता है, अपनी अपनी जैसे देखा जाता है क्षमता है, या फिर गेहूँ को देखा जाता है, अगर गेहूँ
काफ़ी कमज़ोर है, थोड़ा यूरिया बढ़ा कर डाला जाता है, और अगर स्ट्रांग रहता है थोड़ा कम में भी काम चल जाता है। तो मवेशी खाद अगर शुरू से अगर डाला गया है खेत को बोते समय, तो मतलब कंपोस्ट खाद जो होता है सड़े गले गोबर का, तो उसमें यूरिया कम भी डालते हैं, क्योंकि प्रॉपर नाइट्रोजन उसमें मिट्टी में मिला हुआ रहता है, तो उसमें यूरिया कम भी डालते हैं। सिंचाई के बाद तो काम चल जाता है, बट अभी अगर जिसमें नहीं डाला गया है तो उसमें डालना पड़ता है थोड़ा यूरिया। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, उस पर लिखा रहता है बोरे पर। अभी मैं खुदरा दुकान से लाया हूँ तो 10 रुपये केजी पड़ा है यूरिया, और अगर आप ये सरकार के तरफ से मिलता है तो वो 45-46 केजी की बोरी मिलता है, तो अभी कुछ जगह अवेलेबल है कुछ जगह अवेलेबल नहीं है, थोड़ा काफ़ी दिक्कत परेशानी से मिल रहा है। तो दुकानों में मिल जा रहा है नॉर्मल, वो भी कहीं से ला ही रहे होंगे पता नहीं कैसे, बट मिल जा रहा है दुकान में 10 रुपये केजी, तो दुकान से लेके आ रहे हैं। और वैसे वहाँ पे सस्ता पड़ता है जो सरकार की तरफ से जो योजना के तहत मिलता है, तो हम लोग ले नहीं पाए हैं चूँकि काफ़ी थोड़ा लेट है और मिलने में दिक्कत हो रही है, कई जगह शॉर्ट हो जा रहा है, तो हमें जहाँ से ज़रूरी है हमें डालना, सिंचाई के कम से कम 1 हफ्ते बाद डालना पड़ता है, क्योंकि ज़मीन गीली होती है उस वक्त, तो आसानी से खाद जो है मिक्स कर जाता है मिट्टी में, नमी रहता है बना रहता है, काफ़ी सूखे में डालेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा उतना, इसलिए टाइम पर देना ज़रूरी है। तो टाइम पर जहाँ से खाद मिल जाए वहाँ से लेकर हम लोग डाल रहे हैं इस वक्त खाद, और अच्छे से डाल रहे हैं। कितना खाद बच गया है अब, मतलब 1-2 केजी तक खाद बचा हुआ है, इसको इसमें मिलाया जाएगा। खाद छींटते वक्त ध्यान दिया जाता है खाद कितनी दूरी तक मैं छींट रहा हूँ, किधर किधर पड़ रहा है, कितना बराबर पड़ रहा है, तो खाद कहाँ जाता है आगे उगल जा फार्म में आई तो बीच में मारा है। मार देनी देखियो है, मार देनी बीच में जी खाली गई है, बुझल बा देखो अच्छा कनी बीच में खाली गई है, ऐसे हम मिलाओ जरा ऐसा अंदाजा लगाओ जरा दूरी तक खाद कहाँ तक ले गिरता और कहाँ फाफो पड़ता वहाँ फिर मार। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान तीनों है जरूरी। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब चैनल। ओके गुड बाय।